हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आई एम डेजी मैम। आज आपको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की नॉलेज बताएंगे। ये स्पेशली पीजी और नर्सरी के क्लास के लिए है, जो कि मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि जैसा कि हम आपको बताएंगे वीडियो में, वैसे ही आप बच्चों को घर पे उसी स्तर से देखिए, जिससे कि हमारे 8 या 10 डेज में इंग्लिश अल्फ़ाबेट कम्प्लीट हो के बच्चे भी उतना ही जल्दी सीखेंगे। चलिए, तो हम आपको पिक्चर की सहायता से पहले बताएंगे, फिर बोर्ड पर बताएंगे। ओके बच्चों, तो हम आपको आपको यहाँ पिक्चर दिख रही होगी, आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर किसकी है, एप्पल की। तो हम आपको उसके अलावा आपको यहाँ पे एप्पल हमारा किससे स्टार्ट होता है, ए से, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो लेटर जो है ये कैपिटल में लिखा है और ये हमारा स्मॉल में लिखा है। तो आपको दिख रहा होगा एप्पल हमारा किससे स्टार्ट होता है, ए से। तो आप बोलेंगे ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। अब हम इसकी मीनिंग दोहराएंगे, ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पिक्चर है, आपको दिख रही है ये नेक्स्ट पिक्चर हमारी किसकी है, बॉल की, जिससे आप घर पे बहुत खेलते हैं। तो बॉल हमारी किससे स्टार्ट होती है, बी से। यहाँ पे हमारा कैपिटल लेटर लिखा है बी और ये है स्मॉल लेटर बी। तो बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद। अब हम इसकी मीनिंग दोहराएंगे, बी ए डबल एल, बॉल, बॉल मीन्स गेंद। तो हमने आपको बताया बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद। तो इसको हम 2-3 बार दोहराएंगे, जिससे कि ये हमको अच्छे से याद रहे। तो बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद, बी ए डबल एल, बॉल, बॉल मीन्स गेंद, बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद, बी ए डबल एल, बॉल, बॉल मीन्स गेंद। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट लेटर है सी। सी फॉर सभी को पता है क्या होता है, सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। आपको देखो कैट की पिक्चर भी दिख रही होगी, सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। यहाँ पे हमारा सी है जो है ये कैपिटल लेटर में लिखा है और ये जो सी लिखा है वो स्मॉल लेटर में है। तो हम बोलेंगे सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, और सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। तो हम कैट के साथ उसकी मीनिंग को भी बार बार दोहराएंगे, सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। तो एक बार फिर से आपको बताएं, कैट को आपने घर पे बाहर घूमते या कहीं पे भी बहुत अच्छे से देखा होगा। तो आप अगर कैट को देखेंगे तो आप बिल्ली नहीं बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे ये क्या है, कैट। तो आप बोलेंगे कैट, ना कि बिल्ली। नेक्स्ट सीन है हमारा डॉग। यहाँ पे हमारा लिखा है कैपिटल लेटर में डी बना है और यहाँ हमारा लिखा है स्मॉल लेटर में डी। तो डॉग का, डॉग की मीनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, डी से। तो हम बोलेंगे डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। फिर बोलेंगे डी ओ जी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। तो हमें पिक्चर के साथ साथ, पिक्चर पहचानने के साथ साथ हम उसकी मीनिंग को भी लर्न करवाएंगे। तो डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, डी ओ जी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। अगर आपको कहीं पर डॉग दिखाई देता है तो आप उसको कुत्ता ना बोल के उसको डॉग बोलेंगे। आइए अब हम आपको क्लास में लेके चलते हैं। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए टू डी तक हम आज आपको बताएंगे। तो फर्स्ट हमने लिखा है ए, ए फॉर एप्पल। अभी तक हमने आपको पिक्चर की सहायता से बताया था, अब हम आपको यहाँ पे रिटन करके बता रहे हैं। तो हमने लिखा था ए, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। अब हम इसके साथ मीनिंग भी दोहराएंगे, ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। नेक्स्ट है बी, बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद, बी ए डबल एल, बॉल,
बॉल मीन्स गेंद. नेक्स्ट है सी. सी फॉर कैट. कैट मीन्स बिल्ली. सी ए टी कैट. कैट मीन्स बिल्ली. अब नेक्स्ट है डी. डी फॉर डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. डी ओ जी डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. तो मैं एक बार फिर से पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि आप इसी तरीके से आप अपने बच्चों को घर पे पढ़ाइए और उनको लिखना भी बताइए कि ये लेटर्स कैसे बनेंगे. तो हम आपको एक बार फिर से बताते हैं. ए फॉर एप्पल. एप्पल मीन्स सेव. ए डबल पी एल ई एप्पल. एप्पल मीन्स सेव. बी फॉर बॉल. बॉल मीन्स गेंद. बी ए डबल एल बॉल. बॉल मीन्स गेंद. सी फॉर कैट. कैट मीन्स बिल्ली. सी ए टी कैट. कैट मीन्स बिल्ली. डी फॉर डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. डी ओ जी डॉग. डॉग मीन्स कुत्ता. तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए. ए टू डी की घर पे प्रैक्टिस करिए. तो हमने आपको ये ए टू डी तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताया है. अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप, मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ 8 मिनट का होगा. तो आप घर पे बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, जिससे कि मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ विद इन 7 डेज, 7 दिनों में बच्चा ए टू जेड तक पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीख सकता है, लिख सकता है और उसको पहचान, उनके फिगर को भी पहचान सकता है. तो आप प्लीज़ मेरे साथ आप भी मेहनत करिए, जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा ही बहुत जल्दी इसको कवर कर सके. तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.